नमस्कार दोस्तों, 22,000 और MRC संबंधित न्यू अपडेट्स। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात हुई। संपन्नता बोले जल्द मिलेंगे न्याय। साथ में मुख्यमंत्री जी से भी मिलने गए, जहां अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उचित कार्रवाई करने के लिए। तो क्या मुद्दा है? 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का मुद्दा था यहाँ पर। वहीं एक बड़ी अपडेट दे दें आपको, सचिव प्रताप सिंह बघेल जी से मीटिंग हुई संपन्न। सवेंद्र विक्रम सिंह जी से मुलाकात के लिए टीम SCRT पर मौजूद है। तो ये अपडेट है कि सचिव प्रताप बघेल सिंह से मीटिंग संपन्न हुई। 69,000 MRC केस। वहीं पर नौकरी के लिए CM हाउस के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली सीटें भरने को लेकर अभ्यर्थियों ने की नारेबाजी। पुलिस ने लाठीचार्ज करने की बात कहकर धमकाया। और आपको बताएं कि आज 22,000 समर्थक जो है काफ़ी संख्या में SCRT पहुंचे हुए थे और वहां पे लगातार नारेबाजी करते हुए CM हाउस के बाहर चले प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे पुलिस ने नारेबाजी करते युवाओं को लाठीचार्ज करने की बात कहकर धमकाया और वहाँ से वापस हटा दिया। और देखिए, सरकार हमें दो रोजगार, ये नारा लगाया। दैनिक भास्कर का न्यूज है, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से। और वहीं CM हाउस के बाहर लखनऊ में आवास पर जनता दर्शन में अपनी मांगों को लेकर पहुँचे थे। भारी संख्या में आज भीड़ हुई, पहला दिन ही था। और देखिए यहीं पे हमारी मांगे, 22,000 योग्य बहुत हैं आपके पास, क्यों कर रहे हो अत्याचार? 137,000 के खाली पदों में 22,000 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो। यहाँ पे ये देखिए, 22,000 सीटों को समर्थित SCRT पे जो है अभ्यर्थी जो मौजूद थे, काफ़ी संख्या में आज भीड़ हुई थी। 12 जुलाई को भीड़ होगी तो भीड़ तो उतनी ही हुई। पद खाली होने की दलील, तो प्रदर्शनकारियों में वह लोग ज़्यादा थे जिनका मेरिट में नाम नहीं आया। सभी लोग इसमें धांधली का आरोप लगा रहे थे। आरोप है कि प्रदेश में रिक्त शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे में अभी कम से कम 22,000 बहाली और की जा सकती है। तो प्रदर्शनकारी इस दौरान लगातार सीट बढ़ाने को लेकर नारे लगा रहे थे। अभ्यर्थियों के हाथों में अपनी मांगों से जुड़े पोस्टर भी थे। अभ्यर्थियों की भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सभी अभ्यर्थी अलग अलग रास्ते से मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचे थे। तो आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग अपने अपने हाथों में अलग अलग पोस्टर लेके, बैनर लेके नारेबाजी करते हुए, वहीं जब पुलिस पहुंची काफ़ी संख्या में, तो लोग अलग अलग रास्तों से मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकल दिखे। लगातार बहनें भी इसमें काफ़ी संख्या में उपस्थित थी। तो दैनिक भास्कर का न्यूज है, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया विवादों में है। सोमवार को करीब 250 की संख्या में अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास के बाहर तो प्रदर्शन करने पहुँचे। यह देख पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। यहां करीब आधे घंटे तक अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की। पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो अभ्यर्थी उग्र होने लगे। नाराज अभ्यर्थियों ने शुरू में वहां से हटने से मना कर दिया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करने की चेतावनी भी दी उन्हें। तो संख्या ज़्यादा थी, 250 संख्या में नहीं मानने पर 200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को गाड़ी में भरकर धरना स्थल इको गार्डन में भेजा गया। आरोप है, अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। देखिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन दो ही भर्तियों में 137,000 पद को भरना जाना है, तो अभ्यर्थी की वही मांगे हैं कि जब एक दो ही भर्ती भरना है, अभी 22,000 पद खाली हैं, तो क्यों नहीं उसमें ऐड कर देते 69,000 शिक्षक भर्ती में। पद खाली होने की दलील, प्रदर्शनकारियों में वह लोग ज़्यादा थे जिनका मेरिट में नाम नहीं आया। सभी लोग इसमें धांधली का आरोप लगा रहे थे। आरोप है कि प्रदेश में रिक्त शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे में 22,000 पदों को ऐड करके इनकी नियुक्ति पत्र इन्हें दिया जाना चाहिए। तो ये मांग थी और लगातार ये प्रदर्शन भी कर रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आवास पे आज जो है नई शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ अभ्यर्थी ज्ञापन देने पहुँचे और उनका ज्ञापन में मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि जल्द से जल्द हम आला अधिकारियों से बातचीत करके नई शिक्षक भर्ती निकालने के लिए प्रेस नोटिस करेंगे। और वहीं पर
22,000 समर्थक भी पहुंचे हुए थे, लेकिन इनकी संख्या को देखते हुए इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगर इनकी इनकी संख्या एक या दो होती तो इनकी भी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हो जाती और 22,000 सीटों को लेकर अपडेट आता था। हालांकि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे दिया गया है 22,000 सीटों को ऐड कराने से संबंधित, अगर उनके पीयू के पास ही तो नोट दिया गया, अगर उनके पास पहुंच जाता है तो 22,000 के लिए अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी की बात होगी कि उनकी बात सीधे मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगी।